जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले भारत में नमीबिया से 8 चीते लाए गए और उन चीतों को कुनू नेशनल पार्क में स्पेशल बाड़े में रखा गया है ताकि इनकी विशेष रूप से निगरानी और देखभाल की जा सके, साथ ही तेंदुओं से सुरक्षा भी की जा सके। यह जानकारी भी बताई गई है कि अब उन्हें कुनू नेशनल पार्क रास आने लगा है और दिन प्रतिदिन उनका व्यवहार बदल रहा है। यह बहुत अच्छा संकेत है कि चीतों ने भारत व कुनू नेशनल पार्क को अपना लिया है और उन्हें यहाँ रहना भी पसंद आने लगा है। और आपको बता दें कि उस बाड़े में चीतों की खास सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। उस बाड़े में सोलर करंट लगाया गया है ताकि चीतों को तेंदुओं समेत अन्य जानवरों से सुरक्षित रखा जा सके। चीतों के जिस बाड़े में करंट दौड़ रहा है वो अन्य जानवरों के लिए प्राण घातक नहीं है, उन्हें उस करंट से सिर्फ झटका लगेगा उनको डराने के लिए, ताकि चीते बाड़े के बाहर न जाएं और अन्य कोई प्राणी अंदर न आए। तो पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की पूरी टीम मौजूद है वहां पर और उन्होंने बताया है कि चीते पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अच्छी बात यह है कि हर दिन उनका व्यवहार सामान्य हो रहा है, उनका रूटीन चेकअप किया जाता है और उनको खाने से भी कोई तकलीफ नहीं है। नमीबिया के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं और आने वाले 1 महीने बाद उन्हें बड़े वन में छोड़ दिया जाएगा। हर समय 2 वन कर्मी वहाँ मौजूद रहते हैं उन पर नजर रखने के लिए। आपको बता दूं कि 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने नमीबिया से लाए गए 8 चीतों में, जिनमें 3 नर और 5 मादा शामिल हैं।